खबर पीपलखेड़ा विदिशा से। किसानों की मांग, तुलाई के नियमों में सुधार करे सरकार। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्राम पीपलखेड़ा क्षेत्र के ग्राम गंगड़वाड़ा के नवनिर्मित वेयरहाउस पर रवि उपार्जन 2022-23 की तुलाई केंद्र का आज शुभारंभ किया गया है, जिसमें पीपलखेड़ा तुलाई केंद्र को स्थानांतरित किया गया है। पीपलखेड़ा समिति के किसानों के लिए गंगड़वाड़ा वेयरहाउस तुलाई केंद्र पर 6 इलेक्ट्रॉनिक कांटों की व्यवस्था की गई है, जिसमें तुलाई सिलाई आदि काम करने वाले मजदूर विगत वर्षों से ही रहेंगे। तुलाई केंद्र के शुभारंभ पर किसानों ने बताया कि तुलाई से संबंधित सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उसमें कुछ नियमों में सरकार को सुधार करने की जरूरत है, जिससे किसानों की उपज तुलाई की राह और आसान हो सके। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं प्रदीप सिंह बघेल, मैं ग्राम गंगरवाड़ा का कृषक हूँ और सभी किसान वासियों को हिंदू नब बस की शुभकामनाएं। सभी किसानों का फसल पक्कर तैयार हो गई है और बेचने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, और शासन द्वारा जो अब की जो व्यवस्था की गई है, जो एकदम नया उसमें कानून के माध्यम से नई व्यवस्था की गई है, जो किसानों के शुरुआती दौर में कुछ असुविधाएँ हैं, जैसे कि स्लॉट बुकिंग में एक साथ अनाज बेचने के पूरा टोटल एक साथ अनाज बेचना है, तो उसमें कुछ ऐसा लग रहा है किसानों के माध्यम से कि इस प्रक्रिया को और पारदर्शी होना चाहिए और जिससे किसानों को अव्यवस्था ना हो और आगामी नाच तुलेगा उससे और समस्याएं का पता चलेगा, उससे किसानों सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और उन समस्याओं को दूर करना चाहिए। और कदम बहुत अच्छा है, सराहनीय है, और किसानों को असुविधा होगी तो हम आपके माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुंचाएंगे, जिसमें आपका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। नमस्ते भाई, बताएं सर, आज खरीदी केंद्र का शुभारंभ हुआ, कितने किसानों का गेहूँ आ रहा है? अभी दो किसान गेहूँ आ गया, चालू हो रहा है खरीदी, हमने प्रसाद चढ़ा दिया, कांटे लगा रहे, हम माल भी आ गए, व्यवस्था से पूरी हो गई है। अच्छा। दो किसान माल आ गए हैं, बोलो चलने व्यवस्था आज हो जाएगी, चलने व्यवस्था आज बताइए कि हमें करने समिति वालों करने, अभी तक तो जेब से भेज भेजेंगे। शासन के गेहूँ तुलाई में क्या मापदंड? अब मापदंड तो बोलिए, या फिर गेहूँ खरीदना है माल लाने, बोलिए, उससे कोई समझौता नहीं होगा गेहूँ से। साहब नमस्कार, मेरा नाम यशवंत सिंह बघेल। आज आपने स्लॉट बुक किया, अनाज लाया, खरीदी के लिए बताएं कितना करने थे? मेरा आज 500 क्विंटल के मैसेज आएगा आज। जी 500 क्विंटल। हाँ, आज तुलाई आपका पहला मैसेज है? आप पहला मैसेज मेरे यहाँ 500 क्विंटल स्लॉट प्रक्रिया के द्वारा ही आप खरीदी हो रही है? हाँ, स्लॉट से मैंने बुक किया था 26 तारीख को। जी, शासन ने जो नियम निकाला, क्या कहना चाहते हैं आप? साहब मेरे साथ बढ़िया है ये वाला स्लॉट वाला, पर मेरा भी कुछ समस्या है इसमें, स्लॉट में गलती से किसान से दूसरा स्लॉट बुक हो जाए या दूसरा वेयरहाउस बुक हो जाए तो उसका कैंसिल का कुछ निराकरण हो। जी मेरा भी एक फंसा हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ। कौन सा फंस गया आपका? एक मेरी छोटी बहन का फंस गया है, मैं सर्च गंगरवाड़ा कर रहा था पीपलखेड़ा ही, पर दूसरा हो गया, इसलिए उसको थोड़ा देखा जाए। खबर भारतवर्ष के लिए पीपलखेड़ा विदिशा से भैयालाल धाकड़ की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।